सर्वप्रथम अपने प्ले स्टोर को खोल लेंगे और प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे वोटर हेल्पलाइन। वोटर हेल्पलाइन जैसे ही हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमें ये आइकन ऊपर दिख रहा है और इंस्टॉल पर हम इसको क्लिक कर लेंगे और आपके मोबाइल में जो इंटरनेट की स्पीड होगा उसके अकॉर्डिंग ये डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल जैसे ही हो जाएगा हम इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में आई एग्री करके मांगेगा, आप एग्री करके नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में लैंग्वेज मांगेगा, आप इसको इंग्लिश या हिंदी जो भी लैंग्वेज रखना चाह रहे हैं आप कर लेंगे। गेट स्टार्टेड कर लेंगे और इस तरह का आपको डैशबोर्ड इसका मिलेगा। अब आपको इसमें अपनी आईडी बनानी है तो वो किस तरह से होती है वो देख लेते हैं। वोटर रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। वोटर रजिस्ट्रेशन में मान लेते हैं हम 6 नंबर फॉर्म भर रहे हैं और जैसे ही फॉर्म भरेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। अगर आपने पहले से इसमें आईडी बना रखी है तो आपको सिर्फ लॉगिन करना है, मोबाइल नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। अगर आपने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया, फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, तो आप न्यू यूज़र पर जाएंगे, मोबाइल नंबर अपना डालेंगे इस पर। सेंड ओटीपी करेंगे। सेंड ओटीपी करने के बाद में आप अपना इसमें नाम डाल सकते हैं। पासवर्ड बनाने के लिए आपको 3 टाइप से पासवर्ड बनाना होता है। जैसे आपका नाम नीरज है तो एन इसमें आपको बड़ा कर लेना है, उसके बाद में आपको स्पेशल करेक्टर ले लेना है और आप इसमें 1, 2, 3, 4 या कुछ भी नंबर, 2-3 अंकों का नंबर, एक स्पेशल करेक्टर और अपने नाम के आगे जो भी नाम आप डाल रहे हैं उसमें बाकी के सारे कैपिटल, एक सिंगल कैपिटल लेटर रहेगा और बाकी स्मॉल लेटर रहेंगे। ओटीपी में हमने जैसे ही नंबर डाला था तो वहाँ पे एक ओटीपी आया है, वो ओटीपी आपको डाल लेना है और आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो देखिए लिख के आ रहा है यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हमारा पासवर्ड बन चुका है और हम उसी पासवर्ड के माध्यम से इसको हम लॉगिन कर लेंगे। और सेंड ओटीपी का भी ऑप्शन यहां पर रहता है, हमारे मोबाइल में ओटीपी आएगा और वही ओटीपी हम इसको डाल देंगे। और अब हमारा लॉगिन हो चुका है। आपने देखा कि हमने इसमें नया रजिस्ट्रेशन बनाया और रजिस्ट्रेशन बनाने के बाद में हमने मोबाइल पासवर्ड भी बना लिया, उसी पासवर्ड से हमने इसको लॉगिन कर लिया। वोटर रजिस्ट्रेशन जाके हम इसको फॉर्म 6 क्लिक करेंगे और देखिए अब हमारा लेट्स स्टार्ट और अब हम अपना फॉर्म भरने लगेंगे जो भी हमें डालना हो। इससे पहले वाला वीडियो देख पाएंगे तो हम कैसे पूरा वीडियो में जो है इसको पूरे फॉर्म को फिल किया था उसको देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इन दोनों को वीडियो देख के आप बहुत ही आसानी से अपना ऑनलाइन फॉर्म वोटर आईडी कार्ड का भर सकते हैं। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू।